कि संसद में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर कांग्रेस के सांसद मणिशंकर अय्यर फंसते चले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी मणिशंकर अय्यर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का मन बना रही है। मणिशंकर अय्यर ने विपक्ष के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया था। एक टेलीविजन शो के दौरान बोले गए इस असंसदीय टिप्पणी को लेकर विशेषाधिकार हनन का मामला मणिशंकर अय्यर के खिलाफ समाजवादी पार्टी लाना चाहती है, जिस बयान में विपक्ष के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ऐसा आरोप है। और मैं सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बारे में और जानकारी देने के लिए। अशोक, समाजवादी पार्टी विपक्ष पर की गई टिप्पणी पर मानहानि का मुकदमा, एक तरह से ये माफ कीजिएगा, ये अवमानना की बात सामने लेकर आ रही है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, मणिशंकर अय्यर ने एक प्रोग्राम में ये कहा था, सांसदों के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की थी कि हंगामा करते हैं, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था जो आपत्तिजनक था, उसको लेके काफी लोग नाराज हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, इसलिए हम लोग प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे मणिशंकर के खिलाफ। ऐसे शब्दों की हम निंदा करते हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किया। और बीजेपी ने भी कहा कि वो जो हंगामा करने वाले सांसदों की बात कर रहे थे, वो तो एसपी और बीएसपी ही उनकी अलाई हंगामा कर रही थी पिछले कई दिनों से, तो उन्होंने उनको देखते हुए ये टिप्पणी की होगी। तो इसकी आलोचना की जा रही है सांसदों के द्वारा कि ऐसी टिप्पणी एक सांसद होते हुए ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। जी, लेकिन मणिशंकर अय्यर का इस मामले में कुछ कहना है, अभी तक उनसे संपर्क हो पाया? देखिए, अभी मणिशंकर की ओर से उसकी बयान के बाद कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मणिशंकर अय्यर पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं जिसको लेके काफी आपत्ति होती रही है। अजय, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मसले पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी चुप है, कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया। कांग्रेस पार्टी के सांसदों से पूछने की कोशिश की गई कि मणिशंकर अय्यर ने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया सांसदों के व्यवहार को लेकर के, तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। जी अशोक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।